सो गाइज वेलकम टू योर चैनल रैसल वर्ल्ड। तो गाइज WWE के अंदर जब कोई पेपर व्यू के अंदर मैच होता है उससे पहले WWE हमें काफ़ी लंबी चौड़ी स्टोरी लाइन दिखाती है दोनों रेसलर्स के बीच। अगर स्टोरी लाइन अच्छी रहती है तो उस मैच के लिए हमारा इंटरेस्ट और बढ़ जाता है, उस मैच के लिए हम और भी ज़्यादा एक्साइटेड भी हो जाते हैं। और गाइज कभी कभी ऐसा भी होता है कि सुपरस्टार स्टोरी लाइन को और अच्छा बनाने चलते WWE सुपरस्टार्स के रियल लाइफ फादर्स के भी यूज कर लेती है। और आज के इस एपिसोड में हम ये देखने वाले हैं पांच ऐसे समय जब WWE ने यूज किया सुपरस्टार को रियल फादर को एक स्टोरी लाइन के अंदर। नंबर 5 की बात करें तो मिज के डैड का नाम आता है। तो गाइस मिज पर्सन सेन मैकमैन के बीच में जो फ्यूड चली थी वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रोल रहा था मिज के डैड का, और मिज के डैड का सेन मैकमैन ने काफ़ी ज़्यादा बुरा तरीके से बिठाया भी कर दिया था। और गाइस काफ़ी लंबी चौड़ी दोनों के बीच फ्यूड भी चली थी, और हमने रेसलमेनिया में जाके देखा था कि हमें मैच देखने को मिला था मिज पर्सन सेन मैकमैन के बीच में। गाइस उस मैच में भी मिज के डैड का इंटरफेरेंस हुआ था। नंबर 4 की बात करें तो जैक राइडर। तो गाइस जैक राइडर ने रेसलमेनिया 32 के अंदर जीती थी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, और वहाँ पर उनको बधाई देने उनके डैड भी आए थे। अगर उसके बाद हमने देखा था कि वो अगले नेट में जैक राइडर अपने चैंपियनशिप हार गए थे अगेंस्ट द मिज। अगर वहाँ पे भी उनका डैड का इंटरफेरेंस रहा, जब हमने देखा था कि मरीज ने आके एक स्लैब भी लगा दिया था जैक राइडर को डैड को। और अगर उसके बाद जो फ्यूड चली थी उस समय भी जैक राइडर के फादर को इंक्लूड किया गया था जैक राइडर के फ्यूड के अंदर। नंबर 3 की बात करें तो वहाँ पर नाम आता है टोडियो का। तो गाइस टोडियो एक डिवास थी जो कि 2002 के आसपास जब उनका फ्यूड चल रहा था तब उनके डैड को भी इंक्लूड किया गया था एक फ्यूड के अंदर। अगर नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पे नाम आता है कॉफी रोड एंड गोल्डस्ट का, और उनके डैड डस्टिन रोड्स का। तो गाइस कॉफी रोड एंड गोल्डस्ट का जब फ्यूड चल रहा था आई थिंक द शील्ड के साथ, वही समय उनके डैड को भी इंक्लूड किया गया था एक स्टोरी लाइन के अंदर। हमने बाद में जाके ये भी देखा था कि कॉफी रोड ने गोल्डस्ट ने हरा दिया था द शील्ड को टैग टीम चैंपियनशिप के लिए भी। नंबर 1 की बात करते हैं यहाँ पे नाम आता है जॉन सिना के डैड का। तो गाइस जॉन सिना का डैड को यूज किया गया था जॉन सिना पर रैंडी ऑर्टन के फ्यूड के बीच में, जब रैंडी ऑर्टन ने काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से बिठाया भी कर दिया था जॉन सिना के डैड का। और गाइस वहीं पे फिर हमें फ्यूड कंटिन्यू होता दिखाई दिया, और बाद में हमें मैच भी देखने को मिला था रैंडी ऑर्टन पर जॉन सिना के बीच में, और उस फ्यूड के अंदर भी जॉन सिना के डैड को काफ़ी ज़्यादा यूज किया गया था। सो गाइस यही थे वो पांच समय जब WWE ने यूज़ किया था सुपरस्टार के रियल लाइफ फादर्स को एक स्टोरी लाइन के अंदर। तो गाइस यही थे आज की वीडियो। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।